television. Assalamualaikum. आज हम देखेंगे एनालाइज ऑफ टी सेक्शन. इसमें टी बीम पहले देखते हैं. टी सेक्शन जो है टी बीम, ठीक है, इसको एनालाइज करना है. तो उसके लिए पहले हमने रेक्टेंगुलर देखे, आज हम देखेंगे टी सेक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं और उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं. आज हम सिर्फ एनालाइज देखेंगे, उसका डिज़ाइन नेक्स्ट लेक्चर में. तो टी बीम होता क्या है, पहले तो जो टी शेप में हो, ठीक है, तो उसको हम बीम कहते हैं, यानी कि कंक्रीट का बना और टी शेप में हो, ठीक है, फिजिकली. तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसको एक्चुअली कहते हैं इस तरह कि इसमें आप ये होता है फॉर्म वर्क बनाते हैं आप, ठीक है, एक फॉर्म वर्क बनाया आपने, फॉर्म वर्क लगा दिया फॉर्म वर्क, ठीक है, और इसमें कंक्रीटिंग कर दी डायरेक्ट. तो कंक्रीटिंग इसमें ये बीम है, निचला हिस्सा इसका बीम और ऊपर वाला स्लैब होता है, ठीक है, एक्चुअली. तो लेकिन इसमें डायरेक्ट इकट्ठे दोनों में कंक्रीटिंग कर दी जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे का पार्ट बन जाते हैं कंक्रीट की वजह से. तो यानी कि स्लैब, ऊपर वाली जो स्लैब है वो और जो बीम है नीचे वाला, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे का पार्ट बन जाते हैं. तो उसको हम टी बीम कह देते हैं. वो कहता है कि वेन अ स्लैब एंड सपोर्टिंग बीम, जो सपोर्टिंग बीम है नीचे वाली और स्लैब जब एक दूसरे को आर मोनोलिथिकली कास्ट. मोनोलिथिकली कास्ट मतलब कि एट द सेम टाइम उसके अंदर कंक्रीटिंग हो गई है, ठीक है, एक ही वक्त में कंक्रीटिंग हुई और स्लैब और बीम जो है एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई. सच डैट दी, इस तरह मर्ज हुए कि कंप्रेशन इज़ प्रोड्यूस टुवार्ड द स्लैब, कि कंप्रेशन जो है कि वो स्लैब की साइड पर चली गई, ठीक है, स्लैब की साइड पर चली गई. और देन द पोर्शन ऑफ स्लैब एक्ट एज पार्ट ऑफ बीम इफ द स्लैब इज़ प्रेजेंट ऑन. वो कहता है फिर कंप्रेशन यानी कि ये बीम बन गई. अब इसमें ऊपर वाली स्लैब है तो स्लैब ही, ठीक है, और नीचे वाली है तो बीम ही. लेकिन बीम के अंदर हम कहते हैं कि कंप्रेशन अपर साइड भी होती है, लेकिन इसमें कंप्रेशन यहाँ पे चली जाती है, इसकी कंप्रेशन यहाँ चली जाती है. तो हम कहते हैं कि ये पूरा बीम है और अपर साइड पे ये है इसकी, और अपर साइड पे कंप्रेशन है और लोअर साइड पे टेंशन आ जाती है. तो हम इसलिए इसको एज अ सिंगल बीम टी सेक्शन कह के एक्ट करवा देते हैं. और हम यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ़ द स्लैब इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बीम, यानी कि ये बीम है हमारे पास नीचे वाला, अगर स्लैब इसकी बोथ साइड पर, मीन्स कि राइट साइड पर ये वाली स्लैब भी है और ये वाली भी है, राइट लेफ्ट दोनों साइड पे हो अगर हमारे पास स्लैब, तो पता क्या कहते हैं. तो वो कहते हैं ये टी सेक्शन है, मींस के टी की शेप का बन जाता है, तो उसे हम टी बीम कह देते हैं. जबकि अगर वो कहता है इफ़ ओनली एट वन साइड, अगर ये सिर्फ स्लैब वन साइड पे हो, मींस के ये बीम है, बीम के सिर्फ एक साइड पे हो, ये स्लैब इस साइड पे ना हो, तो फिर हम इसको एल बीम कह देते हैं. और यहाँ पे आगे वो बताया हुआ कि फ्लेंज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मींस कि ये जो बिग बी है, ये बी है, ठीक है, इसकी कितनी होनी चाहिए, ये डार्क कर दिया मैंने थोड़ा, ठीक है, ताकि क्लियर नज़र आ जाए. अब इसमें ये जो फ्लेंज की, ये फ्लेंज है एक्चुअली, यहाँ पे वो इसको फ्लेंज का नाम दे रहा है और इसको वेब का, ठीक है, अपने इसके लिए, बाकी है तो ये स्लैब ही और ये बीम ही, ठीक है. तो इसको एज अ कंसीडर हम सिंगल बीम कर रहे हैं, टी बीम, और ये बिग बी है जो इसका, तो इसको हम कहते हैं फ्लेंज की विड्थ, ये कितनी होनी चाहिए डिज़ाइन के वक्त. तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं कि लेंथ बाय फोर, यानी कि स्पैन लेंथ जो होगी उसकी एल बाय फोर लेंगे. एल क्या है यहाँ पे, स्पैन लेंथ है, 16 इंटू एच एफ क्या है, ये फ्लेंज जिसको हम कह रहे हैं उसकी हाइट है, थिकनेस है. एच एफ 16 मल्टीप्लाई बाई एच एफ प्लस बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ वेब, ठीक है, इसका या इसका आंसर या सेंटर टू सेंटर बीम की जो डिस्टेंस होंगे, इस बीम के और अगला एक बीम होगी तो उसके दरमियान जो सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग होगी, तो उसमें इनमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी, सबसे लीस्ट वैल्यू, फर्ज करें 5, 6, 4, इनमें सबसे कम है 4, तो 4 हम वैल्यू ले लेंगे फ्रेंच की विड्थ के लिए. तो ये टी सेक्शन के लिए था, एल सेक्शन के लिए भी यही होंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, एल बाय 12 आ जाता है यहाँ पे, वैल्यू ये 6 हो जाती है यहाँ पे 16 की बजाय, और ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन बीम, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो हम टेकन वो ले लेंगे हम, तो फ्लेंज की विड्थ के लिए. ये तो थे हमारे पास थ्योरी के पार्ट. अब हम आ जाते हैं फ्लेक्चर बिहेवियर ऑफ टी बीम. वो कहता है कुछ कंडीशन हैं जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होंगे तो हमें इनको मद्देनज़र रखते हुए सोल्व करना है, ये लाजमी आपके पास एप्लीकेबल होंगी. अगर तो हम कहते हैं कि टेंशन है स्लैब की साइड पे, ठीक है, टेंशन अगर स्लैब की साइड पे हो जाती है, मींस कि इस साइड पे टेंशन आती है, इधर कंप्रेशन, स्लैब की साइड पे टेंशन आ जाती है, तो फिर हम इसको लाजमी है कि इसको एनालाइज और डिज़ाइन करेंगे एज अ रेक्टेंगुलर बीम. फिर हम इस टी बीम को कंसीडर कर लेंगे कि ये रेक्टेंगुलर बीम है, और सारे फार्मूले जो होंगे वो रेक्टेंगुलर बीम के ही लगेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखे एनालाइज और डिज़ाइन के लिए. जो फार्मूले लगते थे, फार्मूले जो एनालाइज और डिज़ाइन के लिए रेक्टेंगुलर के लिए लगते थे, वही इसमें यूज़ हो जाएंगे, ठीक है.
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया कि सी क्या है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि फ़र्ज़ करें ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, तो इसकी टॉप से हाइट जो होगी वो ये सी होती है या ये, ठीक है, तो सी यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है, फ्रॉम द टॉप या जो से भी लेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ होती है। अब सी अगर कम आ जाए किस एच एफ से, एच एफ क्या है यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लेंज, अगर ये फ्लेंज से कम आ जाए सी की वैल्यू, देन हम कंसिडर करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर बीम है। फिर दोबारा हम फार्मूला जो लगाएंगे वो टी बीम के नहीं लगाएंगे, वो एनालाइज के लिए दौरान हम डिज़ाइन के दौरान सिर्फ फार्मूले कौन से लगाएंगे, रेक्टेंगुलर बीम के जो हमने पिछले लेक्चर में देखे, ठीक है। ये तो थे पिछले लेक्चर से कंसीडर से रिलेटेड था कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम वही अपना प्रोसीजर का दोबारा अडोप करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में देखते रहे रेक्टेंगुलर बीम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है सी बड़ा हो जाता है एच एफ से, तो हम कहेंगे कि ये हमारा टी बीम ही है, रेक्टेंगुलर बीम के तौर पे हम इसे अज्यूम नहीं कर सकते, तो लाजमी हम इसे टी बीम के तौर पर डिज़ाइन करना होगा और एनालाइज़ करना होगा। तो उसके लिए फार्मूले भी एनालाइज़ के दौरान और डिज़ाइन के दौरान टी बीम के ही लगेंगे। अब इसके फार्मूलेज क्या हैं, फार्मूले ये हैं इसके कुछ, इसके फार्मूले कंप्रेशन इन दी वेब, कंप्रेशन इन दी वेब यानी कि ये देखें ये वेब है, इसके अंदर कंप्रेशन हो रही है, तो सी डब्ल्यू से नोट कर दिया कंप्रेशन इन दी वेब, और इसका फार्मूला हो गया 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी डब्ल्यू इंटू ए, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है कि क्या है, ठीक है, बाकी देखते हैं इनको न्यूमेरिकल के दौरान। सी एफ कंप्रेशन इन दी फ्लेंज, इसका फार्मूला है 0.85 एफ सी प्राइम बीटा वन एच एफ इंटू ब्रैकेट बी माइनस बी डब्ल्यू, एरिया ऑफ स्टील इन दी वेब टू बैलेंस कंप्रेशन इन दी वेब, ठीक है। ये वो वाली स्टील की रेशियो है जो कि वेब के अंदर है, प्रोवाइड करनी है ताकि बैलेंस कर सके कंप्रेशन को जो कि वेब के अंदर है, और ये वो वाला स्टील है जो कि फ्लेंज में प्रोवाइड करना है हमें टू बैलेंस दी कंप्रेशन इन दी फ्लेंज, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो बन जाएगा हमारे पास वो टोटल स्टील का एरिया आ जाएगा जो पूरे बीम में हमें प्रोवाइड करना है। तो टी डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, फोर्स इन दी टेंशन स्टील टू बैलेंस दी कंप्रेशन इन दी वेब, और ये रिजल्टेंट फोर्स है इन दी टेंशन स्टील जो कि टेंशन स्टील में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेंशन स्टील में जो फोर्स आ रही है टू बैलेंस दी कंप्रेशन इन दी फ्लेंज, ठीक है, और इसकी वैल्यू है टी एफ की ए एस एफ इंटू एफ वाई, और इसका एरिया ऑफ स्टील इन दी वेब इंटू एफ वाई, जबकि इसको ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी। तो ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। हम यहाँ पे एक्चुअली हम कर तो ये रहे होते हैं कि कंप्रेशन हमें एक्चुअली बैलेंस चाहिए होता है, बैलेंस करके हम उस बीम को स्टेबल करना चाह रहे होते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन ओके हो। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये बीम है तो इसमें हम कहते हैं कि अगर ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, टेंशन कंप्रेशन के इक्वल हो गई तो फिर इट मीन्स कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो हम अज्यूम करते हैं कि वेब के अंदर भी जो टेंशन हो रही है, क्योंकि ये बीम अलहदा से है, इसके अंदर एक नीचे टेंशन होगी तो ऊपर कंप्रेशन होगी, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए वेब के अंदर। तो हम कहते हैं टेंशन इन दी वेब और कंप्रेशन इन दी वेब दोनों इक्वल होने चाहिए, और टेंशन इन दी वेब का फार्मूला ये है, इज़ इक्वल टू कंप्रेशन इन दी वेब का फार्मूला ये आ गया। इसको इक्वेट किया, ए का हमारे पास फार्मूला आ गया जो कि टी बीम के लिए हमारे पास है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो फार्मूले में आप मैं बताता जा रहा हूँ, वो आपने याद करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्लेंज के अंदर भी यही काम करेंगे हम कि इसको भी बैलेंस करेंगे, अगर ऊपर कंप्रेशन है या टेंशन है तो नीचे वाले टेंशन कंप्रेशन इक्वल होने चाहिए फ्लेंज के अंदर भी, तो फ्लेंज के अंदर टेंशन कंप्रेशन इन दी फ्लेंज इक्वल होना चाहिए। तो टेंशन इन दी फ्लेंज के फार्मूला ये है हमारे पास, ये आया अभी, और कंप्रेशन इन दी फ्लेंज जो कि हमने पास ये निकाला तो ये फार्मूला इधर पुट कर दिया। इधर से हमारे पास ए एस एफ का हम फार्मूला बना लेते हैं ए एस एफ का, और ये भी हमारे पास यूज़ होगा टी बीम के लिए, तो ये फार्मूला हमने याद रखना है। और एक्चुअली एनालाइज हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं क्यों, क्योंकि हमें फ्लेक्जर मूवमेंट कैपेसिटी चाहिए होती है, एम यू एम एन चाहिए होता है, तो उसके फार्मूले टी बीम के लिए ये हैं, ठीक है, ये आप याद रख लें। और इसमें ए टी का फार्मूला ये है, बाकी हम देखते हैं कि ये कैसे करते हैं, ये फार्मूले आप याद रख लें, बाकी हम एनालाइज की तरफ जाते हैं टी बीम की तरफ। ये फार्मूले आप देख लेंगे ना तो हमारे पास एनालाइज ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।